रात की बची हुई रोटी की शेलमानी बनाने के लिए हम रोटी को ऐसे काटेंगे, चार टुकड़े कर लेंगे रोटी के, ऐसे हम काट लेंगे। रोटी को हमने चौमिन की तरह लंबे लंबे पीस काट लिए हैं। दो चम्मच तेल डाल लिए हैं, आधी चम्मच जीरा डालेंगे, एक प्याज काटी है हमने, दो हरी मिर्च काटी है, ये डाल लेते हैं। प्याज हरी मिर्च को अच्छे से भून लेते हैं। अदरक डालेंगे इसमें कद्दूकस करके। शिमला मिर्च काटी है हमने एक, ये भी डाल देंगे। शिमला मिर्च भून गई है, अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। नमक स्वाद अनुसार मिला लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे आधी चम्मच, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, मिला लेते हैं सारी चीज़ों को। मसाला भुन गया है, मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। एक गिलास पानी डालेंगे, हम एक उबाला आने देंगे। पानी उबल गया है, हम इसमें ये रोटियां डाल देते हैं जो हमने काट के रखी थी। रोटी डाल के हम 5 मिनट इनको पका लेते हैं। बन गई सेलमानी, हम धनिया डाल देते हैं। रेसिपी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।